सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। जो सरकार है कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और फीस उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करिए। प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर विद मेनी थिंग एंड विद क्या आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं, कुछ ही नहीं कराने, बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था, और ऑफर दिया गया है हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया है, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और बाथरूम साफ करेंगे वो पहले जाएंगे। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी ने अच्छा ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे, जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। वॉश किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे तब सब चलेंगे, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को मंत्री इतने सारे गए किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था, वहाँ आया है कहाँ आया है दिखा दिया। वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिग बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। कैसे Yes, मैं वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था, मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड पेंट स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें स्लेव उनसे उनको हेल्प मिल रही थी मैम, जल्दी इसमें भारतीय झंडे झंडा काम आया। जी जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज अब तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।